हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड नून टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैं यहाँ पे मेरी वॉइस आप सबको क्लियर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल नेट स्कोरर जिन्होंने यहाँ पे नेट को यहाँ पे क्लियर किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस देजीना, रांची, रेनू, मानस, रुक्मणी, पंकज एंड राजश्री। तो ये वन बाय वन करके अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर करेगी कि जर्नी इनका कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देजीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नेट के लिए। तो कैसा रहा आपका पूरा गुड जर्नी, आप बता सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। नून मैम गुड नून, गुड मैम, नून है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरी इस पूरी जर्नी में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैम, आपके चैनल के मतलब मेरी पढ़ाई के बारे में बताऊं तो ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। सबसे पहले तो मैं मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैंने 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जी उसके बाद मैंने 2019 से 21 तक एमए इन एजुकेशन में एडमिशन लिया था मैम। ओके okay. और मैम, वो जब 2021 में मेरा फोर्थ सेम था तब से मैंने नेट की प्रिपरेशन शुरू की थी। ओके और मैम, 2021 में मेरा एमए खत्म हो गया। उसके बाद मैंने 21 से 23 तक मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। ओके और मैम, 23 में मेरा बीएड कंप्लीट होने के साथ साथ मैंने नेट क्लियर किया है। 2021 दिसंबर 3 तारीख को जब एग्जाम हुआ था वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके उस टाइम मेरा पेपर टू में अच्छा स्कोर आया था मैम, बट पेपर वन में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। उसके बाद मेरा बीएड भी चल रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे प्रिपरेशन के टाइम ये हुआ, जब भी मेरा नेट का एग्जाम आता था उसके 1 वीक पहले मेरा बीएड का सेमिस्टर आ जाता था। तो ओके मैंने दूसरे स्टेट से बीएड किया है, मतलब वहां पे जाके एग्जाम दे के आने में, फिर नेट की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन मैम सबसे जरूरी होता है। और मैम, लास्ट टाइम मैंने जब मतलब वहां पे सेमिस्टर दे के आ रही थी तब वहां पे मेरा नेट एग्जाम था, इसीलिए मेरे से प्रिपरेशन अच्छे से मतलब हो रहा था बट रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और मैम, मेरा 2023 को जून में मेरा फोर्थ सेम बीएड का कंप्लीट हो गया। और जून के बाद जो 6 मंथ मेरे पास बचा दिसंबर तक, मेरे पूरी टाइम लगा दी नेट के प्रिपरेशन के लिए। और जब जैसे आपने बताए थे कि नवदीप मैम की पेपर वन के लिए बुक फॉलो करो, पेपर वन की प्लेलिस्ट, वो सारे कुछ मैंने देख लिया था। मतलब मैम, मुझे याद रहने तक जितना बार मेरे से पॉसिबल हो रहा था मैं उतनी बार देख रही थी। और मैम, पेपर टू के लिए मैंने तो आपके साथ थी, आपके साथ मेरी पूरी जर्नी मार्च से स्टार्ट हुआ। मुझे मेरा एक एमए में एक फ्रेंड आपके स्टूडेंट वो है, आपसे भी वो पढ़ाई करके नेट निकला है, गगन बिहारी बारिक करके एक मेरा फ्रेंड था। वो मुझे मतलब आपके चैनल के बारे में बताया, तब से मेरा रिजल्ट मतलब पेपर टू में अच्छा आ रहा था बट इतना अच्छा आ नहीं रहा था। मतलब पेपर वन कम आए तो मैनेज हो जाएगा ऐसा नहीं आ रहा था, 60-50 ऐसा 60-50 के अंदर आ रहा था। तो मैंने उससे मतलब गाइडेंस लेके आपके क्लास के बारे में मुझे पता चला, तुरंत मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे पढ़ाई करना स्टार्ट की। मार्च से कंटिन्यूअसली दिसंबर तक मैंने हर दिन आपकी क्लास कर रही थी, जो भी डाउट आ रहा था मैं पूछ रही थी। और मैम, मैं सब मतलब मेरा ऐसा रहा था कि मुझे रात में पढ़ाई करना अच्छा लग रहा था, मेरे से मतलब सुबह जल्दी उठना मेरे से नहीं हो पाता था। तो मैं क्या कर रही थी कि जब आपका क्लास खत्म होता है, जैसे कि आपने बता रहे थे कि क्लास के टाइम साथ साथ रनिंग नोट बनाओ, आप साइड पे लिख रहे थे, मैं भी साथ साथ लिख रही थी। जब मेरा क्लास खत्म हो जाता है मैं तुरंत ही उसकी रिकॉर्डेड स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर से उसको एक बार देख के नोट कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैम, जब मैंने मतलब नोट बनाना तो सबसे जरूरी बात होती है, मैं ऐसे कर रही थी कि मेरा एक यूनिट के लिए मैं ऐसे एक मतलब कॉपी बना लेती थी। और जब मतलब यूनिट स्टार्ट कर रही थी सबसे पहला पेज में मैंने सिलेबस मेंशन कर रही थी, सबसे पहला पेज में। उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे करके सारे नोट बनाए, सारे जितना पॉइंट आप मेंशन कर रहे थे मैंने सारे कुछ किया। उसके बाद जब मतलब 2 बार मैं देख लेती थी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्लास में लाइव आओगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको भी मतलब आप भी मुझे क्लास में देखते होंगे, मैं हर दिन लाइव क्लास अटेंड करना ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है स्टूडेंट को 60% याद लाइव क्लास में आ जाएगा, और जो 20% मतलब और जो 40% रहा मैं
कभी कभी कुछ फ्रेंड से डिस्कशन कर लेती हूँ, PYQ पे ज्यादा फोकस करती हूँ। और मैम जब भी मेरा मॉक टेस्ट में कम रिजल्ट आता है, मैं तुरंत ही आपको पूछती हूँ, मेरा रिजल्ट कम आया गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके बाद मैंने PYQ को ऐसे करती थी, जो 4 ऑप्शन होते हैं, मैं सारे ऑप्शन को अच्छे से, मतलब उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, उसके लिए क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, वो सारे मैं डिटेल में लिखती थी। ठीक मतलब है, लिख लिख के मेरे सारे कॉपी भर चुके हैं मैम, मैंने आपसे 3 बार नोट बना चुकी हूँ। मतलब जी, मुझे ऐसा तो लगता है कि नोट सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो आपको अच्छे से नोट बनाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट, और मैम जैसे आपने पूछा कि लास्ट 15 डेज में मैंने क्या किया, मेरा हाँ, बीएड खत्म हो गया था, मेरे पास पूरे टाइम था, मैंने सुबह की, मतलब मैम मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, कोई जॉब अभी नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे दिन से रात तक पूरी टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। तो मैं क्या करती थी, पहले सुबह के टाइम में पेपर 1 पढ़ रही थी, ठीक है, प्लेलिस्ट देखती हूँ, उसके बाद नोट बनाती हूँ, बुक से पढ़ाई करती हूँ, और PYQ लगाती हूँ। ओके, हर दिन मैंने सुबह 1 आवर पेपर 1 के क्वेश्चंस लगाती हूँ, ठीक है, मतलब 50 से 100 जैसे क्वेश्चन तो हर दिन बनाती थी। ठीक है, एक मैथ की बनाती थी, एक DI की, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उसके बाद जो थ्योरिटिकल पर्सन रहा उससे क्वेश्चन कर रही थी। ओके, और मैम लंच टाइम तक मैंने कुछ टाइम रेस्ट करके आफ्टरनून से मैंने पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो जाती हूँ। ओके, मतलब ठीक है, पहले तो मैं नोट चेक करती हूँ, कल रात को मेरा कुछ नोट बचा है तो मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस लगाती हूँ PYQ योर वाइज, जैसे आपने ग्रुप में भेजते हैं कि आज तुम लोगों को 60 क्वेश्चन करना है, तो मैंने उसी तरीके से करती हूँ, जो भी डाउट आता है। मतलब इसीलिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, मुझे टाइम का पता नहीं होता है, मुझे जब डाउट आता है मैं तुरंत पूछ लेती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो। रात को आपको भी पता होगा, बहुत लेट नाइट आपको मैंने परेशान किया जी है, और मुझे मतलब जब डाउट आता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कैसे भी करके इसको क्लियर करना है, जी क्योंकि मैम इस प्रिपरेशन में मतलब बहुत वास्ट सिलेबस होता है एजुकेशन का, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने इस 6 महीने में सारे दिन रात मैंने पढ़ाई की है, एक ओके भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली है। तो जब मॉक टेस्ट भी आप करवाते थे, मॉक टेस्ट भी मैं देती हूँ, मॉक टेस्ट में भी जो मतलब आता है, जो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, मैं देखती हूँ क्यों गलत हुआ, किस वजह से, अच्छे से मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी था, ऐसे मैंने देखा है। और मैम आपके ओके, हाँ, क्योंकि वही मैं पॉइंट्स जो भी आप बता रहे हो मेंशन करते जा रही हूँ, क्योंकि आपके प्रिपरेशन से मुझे काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिल रहा है। एक तो मेजर क्या पॉइंट आपने यहाँ पे बताया, थैंक यू सो मच देजीना फॉर शेयरिंग। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ सबके लिए। एक तो देजीना ने बताया प्रिपरेशन जो करनी है, प्रिपरेशन में एक ये एक प्लस पॉइंट था कह सकते थे देजीना का, कि वो जॉब नहीं कर रही थी जहाँ पे कहीं अगर 9 से 5 की टाइमिंग नहीं थी उसके लिए, अपने हिसाब से वो अपने टाइम को मैनेज कर पा रही थी। लेकिन व्हाट अबाउट दोस उन उन स्टूडेंट्स के बारे में जो जॉब भी कर रहे हैं, जिनको प्रिपरेशन भी करना है, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो आप कोई और ऐसे शेयर करना चाहते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, अपना साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर हेलो अपना मैम, लेके चल रहे हैं? हाँ जी राची, हाँ जी, हाँ जी, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहले मैम आपको मेरी तरफ से हार्टिली थैंक यू, आपके बिना मेरा नेट क्लियर नहीं हो सकता। आपको मैं क्या कहूँ मैम, बहुत बहुत सारे बधाइयाँ और थैंक्स। थैंक यू सो मच। ये मेरे एक्चुअली मैम, मैं थोड़ा आपके साथ मेरा खोला कथा जैसे शेयर करती हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ जी और मेरा एक छोटी बच्ची भी है, 6 साल की, जी और मैं मैम जॉब में भी हूँ, एक कॉलेज में मैं नौकरी करती हूँ, जी जी 10 से 5 तक हमारा बायोमेट्रिक है, ओके और उसके टाइम को निकल के प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे जी लिए। मेरे भी सास ससुर मेरे पास रहती है, जी और आपका जो मैंने जो आपका मतलब आपके साथ मैंने जुड़ी हुई है, उसके बाद मैं सच कहूँ मैम, 6 मंथ का जर्नी था, लेकिन मैं आपका रिकॉर्डिंग लाइव आई हूँ सिर्फ 10 to 20 क्लास, ओके और ज्यादा नहीं मैम, जी क्योंकि रात 12 बजे तक मैं चलती थी और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सुबह मेरे बेटी का स्कूल था, इसलिए मैं
ज्यादा नाइट तक पढ़ नहीं सकती, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग और आपका पीडीएफ है बहुत मुझे मतलब इम्पोर्टेंस मिली है, उससे मैं बहुत सारे कवर की हूँ, बाद में कवर की हूँ इस लाइफ टाइम में, तक तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बाद में सब कुछ मैंने देखा, आपका मॉक टेस्ट भी मैं लास्ट में भी की हूँ और इतना अच्छा मार्क नहीं आया था, उसके एक दिन मैंने आपको साथ बताया थे मैम मेरा कम मार्क रहती, आपने बताया ठीक है प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छा रहेगा बाद में। उसके बाद मैं आपका ये बात सुन के मुझे अच्छा लगता था और प्रिपरेशन चल चल रहा था, उसके बाद मैंने बहुत सारी हार्डवर्क भी की थी। ये मेरा मैम सच में कहूँ 8 से 10 तक बिफोर मैंने एग्जाम दे चुकी हूँ, मेरे नेट क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन आपका जो कंटेंट, हाँ आपका जो कंटेंट है, क्योंकि मैम मैं अभी मैं पीएचडी भी मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन थेसिस सबमिशन हो गया, वाइवा नहीं हुआ अभी जी तक, ये सब पढ़ाई बीएड भी मैंने कर चुकी हूँ, पढ़ाई जॉब और बेटी घर ये सब देख के बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए, और जी आपके लिए आपको तो मैं बहुत मेरे हार्टली थैंक मैम, आपने ये कंटेंट आपने ये मोटिवेशन नहीं दिया तो मैंने बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन चाची, आपकी बहुत ही मतलब ऐसी जर्नी रही है कि आप इतना सब कुछ मैनेज किया, अपने बच्चे को भी, घर का भी, और फिर अपना जॉब भी, फिर अपना पीएचडी के थीसिस भी, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी हाँ जर्नी मैम रही है। बहुत बहुत मैम जी मैंने जी हाँ मैम बहुत डिफिकल्ट, मैंने बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि जी मैं 8-10 बार ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मेरा जो स्टूडेंट है वो सब क्वालिफाई हो गए थे, उन्होंने मुझे बताया मैम आप तो टीचिंग में हो, क्योंकि आप कैसे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, जी जी मैंने बताया क्योंकि मैम उड़ीसा में जो ऑथर है ना वो सब उड़िया में बुक लिखती है, ठीक है मैम, जी और जितना ऑनर्स का स्टूडेंट है एजुकेशन ऑनर्स का वो सब ओडिया में ही लेते हैं, आप जैसे आइडियलिज्म हो प्रैग्मेटिज्म हो वो सब मैंने जब ओडिया में पढ़ा है तो स्टूडेंट फुल हो जाते हैं, जब इंग्लिश में पढ़ा है तो कोई नहीं रहते हैं चले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे मुझे खराब लगता है, इसीलिए मैं स्टूडेंट को ओडिया में पढ़ती हूँ, तो उस जी स्टूडेंट को ओडिया में पढ़ाना बाद में खुद इंग्लिश में पढ़ना ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट मैम सच में, और आपके बिना मैं नहीं क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई मैम और थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच बहरा, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल होने के बाद भी अपना जो गोल है वो फिक्स रखा कि आपको चाहिए नेट, और आपने स्कोर किया अच्छे से। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। रेनू, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये थोड़ा अपने टाइम दिए है बताने के लिए, थैंक यू। जी हाँ जी रेनू, आप बता सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, जैसे मैं बताना चाहूंगी, मेरा ये रेगुलर है ना, लगातार 4th अटेम्प्ट में मैंने क्लियर करा ये पेपर, जी और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एक एक जगह और कोचिंग ली थी, लेकिन वहां पर मुझे जब मेरा बेस क्लियर हो गया तो उस समय मुझे लगा मेरी प्रैक्टिस की कमी रहेगी, क्योंकि वो मैडम लगभग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जी उनका, जी जी बीमार रहती थी, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने, हमारी जी प्रैक्टिस की कमी रह गई थी, और काफी कॉन्सेप्ट ऐसे थे, हम जब PYQ लगाते थे हमसे काफी PYQ सॉल्व नहीं हो पाते थे, जी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसमें है ना, शायद मैडम ने बताया नहीं थे क्या बात, नोट्स में भी नहीं थे वो जो नए कॉन्सेप्ट है ना जो उनमें ओके ऐड होते थे जो एग्जाम में। फिर मुझे हमारे उसी बैच से एक लड़की थी, उससे मुझे आपके बारे में पता चला, फिर मैंने आपकी कोचिंग ली थी, मैंने आपको बताया भी था मैम मैं इस तरह से, और फिर मैंने अपना एज भी बताया था जी जी कि ना जी मेरे भी, और जब मैं आपकी कोचिंग लेती थी मैं आपको बताती थी मैम मेरे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं हाँ भूल जाती हूँ, जो जी सुनती हूँ बस वही मेरा याद रहता है, शायद एज इफेक्ट हो सकता है। जी फिर मैंने आपकी कोचिंग ली, आपके नोट्स मैंने आपको बोला भी था मैम आपके नोट्स इस तरह के हैं कि ना आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हमें कोई भी डाउट नहीं रहता था कि ये सही है या नहीं सही, क्योंकि आपके बिल्कुल कहीं से भी है ना, हम लोग कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहती थी, नोट्स में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहते थे, लेकिन जी शायद मेरी बदकिस्मती हो गया, मेरे घर का माहौल अल्कोहलिक था जी तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर ओके 3rd अटेम्प्ट में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर तब मैं आपकी कोचिंग नहीं ले पाई थी, जी लेकिन मेरे पास आपके नोट्स थे, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मैंने वो 3rd अटेम्प्ट पे भी दिया, तो मेरे फर्स्ट पेपर में मेरे नंबर कम रह गए थे, सेकंड पेपर में मेरे नंबर ठीक आ रहे थे, मतलब पास लाइक। फिर मैंने अपनी बार मैम
स्कूल ज्वाइन कर लिया था। जब पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी, जो मैंने 2 साल के लिए छोड़ दी थी, मैंने वापस मैं उसी स्कूल में चली गई थी। बस मेरी प्रैक्टिस की कमी रह रही थी, तो मैं अपनी जो PY की बुक थी मेरी, मैं अपने साथ ले जाती थी स्कूल में। जब भी मुझे खाली टाइम, रिसर्च वगैरह जब भी मिलता था, मैं वो PYQ सॉल्व करती थी। और मैं हिंदी मीडियम से थी। और फिर आपने जो लास्ट में फ्री जो कोर्स जो आपने क्विज डाले थे, फ्री वाले मैंने वो भी अटेम्प्ट करे थे, फ्री मॉक टेस्ट वो भी मैंने अटेम्प्ट करे थे। उसमें मुझे लगा मेरा स्कोर अच्छा हो रहा है। तो मैं तो है ना, अपनी जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरे मार्क्स आए 60%, मैं तो उसका सारा श्रेय आपको देना चाहूंगी। वही, क्योंकि रेनू, क्योंकि वही है कि इतना एज एक फैक्टर हमारे लिए, कि उसको आपने कैसे, फिर वही है ना कि आपने कितना सब कुछ, क्योंकि अभी देखा मम्मा भी आपके से एक्सपायर हो गई, फिर घर के भी आपने, फिर स्कूल भी फिर से आपने ज्वाइन करा, तो मतलब मेरे घर का माहौल मतलब मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी अपनी लाइफ में। घर वालों ने मतलब कैसे, ससुराल वालों ने पूरा पैसा लगा रखा था मेरी एजुकेशन पे, उनको भी लगता था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को मेरे से उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि आपने उनको गलत प्रूफ कर दिया कि भाई देखो मैं भी अपना नेट क्लियर कर सकती हूँ, मैंने नेट क्लियर किया है। और वो बहुत, और सबसे ज्यादा खुश वही खुश हो रहे हैं सबसे ज्यादा फिलहाल, जो कि मेरे से कहते थे तेरे से नहीं होगा, मेरे बच्चों से भी कहते थे, फिर मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मी कर लेगी। और मैम मेरी जो आपको जो कोचिंग आपकी मन ली थी, उसके पैसे मेरे पास नहीं थे, मेरे घर में कोई सपोर्ट, मेरी बेटी ने वो फीस आपको आपको दी थी। जी, मैंने आपसे आपके बेटे से भी वही बात करी थी, क्योंकि उनके साथ मेरा कांटेक्ट रहता था, कि वो कहती थी कि मुझे मेरी मम्मा को क्लियर करना ही करना है, करना ही करना है उनको। तो चलो फाइनली रेनू, कांग्रेचुलेशंस आपकी जर्नी के लिए, आपकी कोचिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। जी, और यहाँ पर और जी, और यहाँ पे पंकज आप, और मैम मैंने जो नर एक मिनट मैम, मैं लर्नर जो न्यू लर्नर है उनके लिए कहना चाहूंगी, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, लेकिन आप जितने PYQ लगाओगे ना, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, जितने आप ज्यादा PYQ लगाओगे आपको उतने, क्योंकि UGC की जो लैंग्वेज है ना, वो हमें PYQ लगाने से पता चलती है कि वो क्या लैंग्वेज यूज कर रही है पेपर में। तो और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है ना, अलग नहीं होते हैं, जो PYQ लगाते जाओगे ना, आप जब आप बैठोगे ऑन स्क्रीन, तब आपको लगे, आपको सारे जो PYQ आपका है ना फैमिलियर लगेंगे। तो जितने आप PYQ की प्रैक्टिस करते हो ना, NTA वाले PYQ, उतने ही आपके लिए बेनिफिट रहते हैं। वेरी गुड पॉइंट यहाँ पे रेनू, अगेन कांग्रेचुलेशंस आपके नेट के लिए, कांग्रेचुलेशंस, ऐसे आगे बढ़ते रहो, और थैंक यू मैम, क्लियर करिए। हाँ जी, और पंकज एंड मानस आप दोनों यहाँ पे वर्किंग है, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय आप थे, कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे आपने यहाँ पे प्रिपेयर करा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बता सकते हैं। पंकज, वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट, क्योंकि ये, हाँ जी नमस्कार, हाँ जी नमस्ते नमस्ते नमस्कार, हाँ जी मैम, एक्चुअली सच मेरे अपना डीप कॉर्नर से, मैं ढांट के डीप कॉर्नर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद बहुत कम, मतलब उसका छोटा शब्द होगा एक्चुअली पूरा, मतलब ये मेरा पहले अटेम्प्ट है और उसमें मेरा क्लियर हो गया, मतलब आपके आशीर्वाद से, आपके पढ़ाई से। तो कैसे हुआ एक्चुअली मैम, एक्चुअली मैं आपसे क्यों कोर्स लिया, मैं पहले ये बताना चाहूंगा। जब एक्चुअली जो एजुकेशन में का AE भी मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली, सच सच में मुझे एजुकेशन का PG हो गया, पर मुझे एजुकेशन का ई भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से बिलिंग करता हूँ, और मेरा फिजिक्स में +2 में फिजिक्स इस तरह का सब्जेक्ट था, और मैं ग्रेजुएशन भी उस तरह का सब्जेक्ट का मैं किया हूँ, एजुकेशन में मेरा बैकग्राउंड नहीं था, कभी भी नहीं था। तो दोस्त के कहने पर मैं एक्चुअली एजुकेशन का MA एजुकेशन किया हूँ, क्योंकि बोले थे आप तो टीचर में हैं और कर लीजिए। तो मैं सोचा सच में अभी ये फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर तो PG करने से नहीं होगा, क्योंकि जॉब में ऑलरेडी हूँ, और मैं एक्चुअली एक स्कूल में अभी हेडमास्टर हूँ, और मुझे 23 स्कूल का इंचार्ज मिला है, मतलब उसको स्कूल का ऑफिशियल काम जो भी है सभी काम मैं ही करता हूँ एक्चुअली। 5T स्कूल है आपका, 5T हाई स्कूल है, 5T हाई स्कूल है, एडेड स्कूल, एडेड स्कूल का मैं टोटल उनका एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप जितना भी काम है, ऑफिशियल काम होता है, सब कुछ मैं करता हूँ। उनका उनके पास कंप्यूटर टीचर नहीं है, इसलिए मैं ही करना पड़ता है मुझे। तो एजुकेशन लिया तो वो भी उसके लिए पढ़ाई नहीं कर पाता था, जब भी कोई सेमेस्टर एग्जाम होता था, मतलब जो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर जब भी होता था, तब मैं क्या करता था, एग्जाम से 2 दिन पहले उसको प्रिपेयर करके, जो मेरा टेम्पररी ब्रेक में जो फील होता था उसको जाकर, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको लिख देता था, 60% उसमें आ गया।
पर उसमें 10 दिन के बाद मुझे उसमें कुछ भी मालूम नहीं था, उसमें जितने भी पढ़ाई कर ओनली टाइम टू मेरे में फिर होता था। तब मैं ये जो पीजीटी एसएसबी का जो पीजीटी जो आया जब पहले जो एडमिशन 1 नंबर जो आया, तो मैं फॉर्म फिलअप कर दिया। मैं मेरे दोस्त लोग भी किए थे उसमें किया, और उसके प्रिपरेशन नहीं किया मैं, तो 10 तारीख 10 सितंबर को एग्जाम था एक्चुअली इसका, 10 सितंबर एग्जाम था। 9 तारीख तक भी मुझे मतलब एक पन्ना भी एजुकेशन के बारे में एक पन्ना भी मैंने नहीं पढ़ाई की 9 तारीख तक। तो 9 तारीख की रात में जब मैं एग्जाम सेंटर के वहाँ जो लॉज होता है जो स्टूडेंट है वहाँ में जो रुका, सोचा कुछ तो देख कर जाना चाहिए। तो यूट्यूब खोला मैं, यूट्यूब खोलने के बाद मैं पहले वीडियो आपका आया वहाँ 14 आवर्स का एमसीक्यू का 14 आवर्स का एक वीडियो था। तो मैं सोचा ये 14 आवर्स का वीडियो तो मैं देखना चाहता था, कम से कम उसको 1.5 स्पीड से स्पीड उसको से। मैं देखा। देखने के बाद मैं ऐसे कैजुअली इस एग्जाम में चला गया। जब मुझे क्वेश्चन मिला तो मुझे लग रहा था टोटल क्वेश्चन आपने सेट किए हैं, क्योंकि अच्छा जितना भी कुछ 100 क्वेश्चन था एसएसबी पीजीटी में, 100 क्वेश्चन से मुझे लगा ये टोटल जितना क्वेश्चन है सभी तो उस वीडियो में था, जितना वीडियो में डिस्कशन हो गया था। तब तो मैं एग्जाम का जब एग्जाम दे रहा था मुझे मालूम था कि मुझे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ही बार एक वीडियो देखकर आकर इतना बड़ा एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकता। फिर भी मुझे वहां जो कुछ कुछ आंसर में डाउट हुआ, दो आंसर क्योंकि एक बार वीडियो देखा था, तो इस तरह नेगेटिव मार्किंग को मिला करके मुझे 88 मिला था जो एसएसबी पीजीटी का जो एसएसबी 1 में। तब हाँ उस दिन मैं सोचा जब रूम में आया कि यही एक मैम है जिससे मुझे कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो से मुझे एक्चुअली 88 क्वेश्चन मेरा मतलब ये हो रहा है, 88 क्वेश्चन नहीं 88 मार्क हुआ एक्चुअली मैम जी। तब मैं उसी दिन 10 तारीख को ही आपका जो क्रैश कोर्स था यूजीसी का वो मैंने परचेज कर लिया जी। तो उसके बाद 14 तारीख को और फिर आपका जो लेक्चर का भी मैं परचेज कर लिया उसमें। फिर आपका जो पहले दिन का जो मैं ये अटेंड किया लाइव वीडियो अटेंड किया था, तो सभी लोग आंसर दे पा रहे थे, पर मुझे उस जो फिलोसफी के बारे में आप पहले दिन पढ़ा रहे थे फिलोसफी के बारे में, तो फिलोसफी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो सभी लोग बोल रहे थे मैं ओनली सुन रहा था, हाँ सभी लोग आंसर दे रहे हैं आप बोल रहे हैं इसके बारे में कुछ फिलोसफी के बारे में कौन किसको क्या पता है सब बोल रहे हैं सुन रहा था। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं भी कल कुछ पढ़ के आऊंगा इसके बारे में, तो मैं भी इसमें आंसर आंसर दे दे। सकता हूँ हाँ जी 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 उसके बाद जो पहले दिन तो हो गया उसके आपको पीडीएफ पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दिए थे। तो आप हाँ वीडियो जो लाइव क्लास के लास्ट में आप बोले थे कि कल ये ही पढ़ाया जाएगा, हाँ रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन ये सब, तो मैं सोचा इस सब पढ़ के जाऊंगा। फिर उस दिन रात को वो वीडियो तो देखा, देखने के बाद जो पीडीएफ था उसको मैं पढ़ के गया, कल मुझे आंसर देना है, जब भी मैडम पूछेंगे तो मुझे आंसर देना है। आंसर देना है। जी तो आप जब भी बोले हाँ इसके बारे में कौन क्या क्या पढ़े हैं बीईडी में एमए में आप लोग पढ़े होंगे इस तरह बोले, तब मैं पहले ही उसको अनम्यूट किया हुआ ये को और मैंने बोलने लगा। तो आप भी आपने कहा अच्छा है ठीक 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 बोल रहे हैं, तो मुझे अंदर से बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, हाँ मैडम अच्छा बोल रहे हैं तो मुझे और भी पढ़ना चाहिए एक्चुअली। वो जो मोटिवेट करते हैं और जो कुछ टॉपिक पढ़ाने से पहले जो बोलते हैं आप बोलिए, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करने आने से आप बहुत मतलब मोटिवेट आता है अंदर से, बहुत मोटिवेट आता है उसमें जी मैम। और मैं उस तरह से उसमें शुरू किया, पर जो और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया मतलब क्या यहाँ एचआरएमएस का जो डीपीए है सैलरी एचआरएमएस सब मुझे पूरा टोटल ब्लॉक का मैं ही करता हूँ, सैलरी इंक्रीमेंट करना हाँ जी इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है। तो मैंने किया उस काम को रात 2 बजे तक उसमें उसमें मैं करता हूँ इसका जितना ऑफिशियल काम होता है। फिर सुबह 5 बजे 5 बजे से 7 बजे तक 7 बजे तक मैं आपका जो प्रीवियस डे में आज जो आप पढ़ाएंगे उसको मैं प्रिपेयर करता था, आज यही है मैडम पढ़ाएंगे उसको मैं लिखता था इस नोट शॉर्ट शॉर्ट करता था, और सभी यूनिट के लिए मैं एक एक कॉपी खरीदा हूँ एक एक जी सभी यूनिट के लिए। अब फिर क्या किया टोटल सिलेबस को मैं क्या टोटल पहले प्रिंटर कर दिया था पूरा सिलेबस को क्या क्या है, जब भी मुझे चाहे तो उसमें देखना था क्या क्या इसमें एक्चुअली इसमें है, और टोटल जो एक एक यूनिट का एक एक यूनिट का फिर एक एक ये बनाया मैम टोटल उस यूनिट में क्या क्या टॉपिक है क्या क्या सब टॉपिक है टोटल उसको पूरा डिवाइड कर दिया
इस टॉपिक का ये टॉपिक का मुझे आ रहा है कि नहीं, ये मुझे आ रहा है कि नहीं, वो देखो था। इस टॉपिक में मुझे 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, तो अगर जी 20 मार्क्स का आएगा तो मुझे इतना टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा ओके नहीं आ रहा है, उसको फिर पीडीएफ से, आपका जो पीडीएफ देता है वो पीडीएफ से मैं करता था। और मैं नोट्स कैसे करता था मैं, एक्चुअली मैम हाँ जब जी आप पढ़ा देते हैं वो, मैं टोटल पेज को तीन तीन हिस्से में बांट दिया हूँ। ठीक है एक साइड में रनिंग नोट टॉपिक का नाम लिखता था ओके और रनिंग नोट लिखता था, बीच में आपका पीडीएफ से फिर जब मैं पढ़ाई करता तब लिखता था, और थर्ड सेट में रखा था। आप आपके यहाँ डेजिना मैम है ना? हाँ हाँ जी जी डेजिना मैम डेजिना को, हाँ जो डेजिना मैम को मैं बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैम एक्चुअली उनका नोट्स में थर्ड पार्ट में लिखता था, वो जो अच्छा जो भेजते थे नोट्स सेंड मैं। करते थे जी आपस में स्टूडेंट्स, हाँ देजीना सेंड जी सेंड करती थी। इनफैक्ट यहाँ पे रुक्मणी ने भी यहाँ पे नोट्स शेयर करे हैं, राशि ने भी जी नोट्स जी शेयर जी करे जी अपने। मैम जी जी मैम, जी तो ये तीनों को एक्चुअली मिलाकर मुझे डेली उसका रिवाइज और उसका जो ये सिस्टम है जो ये पेपर में करता था मैं एक्चुअली, वो देखता था इतना टॉपिक में मुझे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नया पॉइंट आप गजना मैम ने लिखे हैं, क्या क्या आप रनिंग में लिखा हूँ, हाँ क्या हाँ क्या रूप में लिखे, टोटल को एक तीन पार्ट में, ओके टोटल तो हर टॉपिक को तीन पार्ट एक ही पेज में, एक ही पेज में मैपिंग कर देता था उसको, मतलब ओके ज्यादा पेज में नहीं लिखता था, एक छोटा पेज में छोटा छोटा जो एक लाइन में तीन लाइन, जो एक एक लाइन में होता है वहां जी में तीन लाइन लिखता था, ओके तो एक पेज में टोटल टॉपिक आ जाता था एक ही पेज में, जो जब भी देखता था और उसको एक जगह एग्रीगेट करता था उसको, इस तरह किया मैम। इस तरीके से आपने किया। हाँ क्योंकि वही है कि आपने जी कैसे सिस्टमेटिकली तरीके से हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करी है कि क्या सिलेबस है, क्या पॉइंटर्स है, क्या पार्ट्स है, फिर बाद में जाके उसके आपने नोट्स मेकिंग करी है पढ़ पढ़ के। इनफैक्ट दूसरों से भी इंस्पिरेशन लेके रेजीना, रुक्मणी, राशि जो नोट्स यहाँ पे शेयर जी करते थे, रेनू ने भी अपने थोड़े बहुत नोट्स यहाँ पे शेयर करे, राशि ने भी नोट्स शेयर करे अपने। तो क्योंकि वही है कि आपस में जब शेयरिंग होगी नोट्स का, एक इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा कि मतलब वो कर रहा है तो मुझे भी ऐसे ही सिस्टमेटिकली काम करना है। तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया पंकज जी। जी मैम, और मैम एक्चुअली जो था मॉक टेस्ट जो है एक्चुअली मैम, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं एक्चुअली, जी ऐसे तो टॉपिक मालूम होता है पर जो क्वेश्चन आता है तब वो पूरा उड़ जाता है उड़ सिस्टम से जाता भाई क्योंकि जो सरफेस लेयर पर क्वेश्चन नहीं होता एक्चुअली, जी नेट एग्जाम है तो कोई 5 क्लास का एग्जाम नहीं है, तो एक्चुअली इसलिए क्या करता था, टोटल जो मॉक टेस्ट है आपका कुछ पीडीएफ जो है वो, ये पीडीएफ तो नहीं, आपका जो कोर्स है जी वो जी फ्री है, जी फ्री भी है आपका, वहाँ वहाँ से भी मुझे बहुत सारे मैं ये सिस्टम देखा, आप जो भी पढ़ाते थे उसका मॉक टेस्ट भी आप फ्री वाला जो भी है वो भी मैं देखता था। ओके हाँ उसमें करके फिर मॉक टेस्ट दिया और प्रैक्टिस डेली एक्चुअली उस टॉपिक में जितना क्वेश्चन हो सकता था वो मैं खुद से कुछ क्वेश्चन में प्रिपेयर करता था, आज ये क्वेश्चन पढ़ा है तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, जी क्वेश्चन वाइज मैं उसको प्रिपेयर किया मैम, और मैं ओके फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर हुआ, इसलिए मैं बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूँ मैम सभी को, और आपको और आपका जितने स्टूडेंट है जो भी हमारे सार मैम है सभी को, सबके लिए है मुझे मिला है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, सभी के कंट्रीब्यूशन से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया है, और मेरे दोस्त जितने भी मेरा एरिया में अभी तक एक भी नेट नहीं क्वालिफाई किए मैम, ओके टोटल पूरा एरिया में नहीं किए हैं हमारे दोस्त लोग, सबको पार्टी देना है अभी चलो बढ़िया है, कंग्रेचुलेशन पंकज अगेन फॉर योर सक्सेस। जी एंड हाँ जी ऐसे आगे बढ़ते रहो। रुक्मणी आपका क्या एक्सपीरियंस था, राश्री आपका क्या एक्सपीरियंस था, शिवा शिवा का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि शिवा ने भी अपना एग्जाम यहाँ पे क्लियर किया है नेट एग्जाम, कंग्रेचुलेशन। तो आप अपना बता सकते हो रुक्मणी, राश्री, शिवा आप में से। हाँ जी रुक्मणी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज क्योंकि आपने कहा था कि इसी बीच में आपने अपनी मैरिज के साथ साथ कैसे कैसे किया काम और प्रिपरेशन भी करी, सब कुछ हुआ। हाँ जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू, जितना बोलूँ उतना कम है मैम। मेरा पीएचडी भी उसका एग्जाम क्लियर हुआ था, हाँ जी तो मैं आपने आपको बताया था। जी। मैं आपसे मतलब कोर्स ली थी तो 4 मंथ में ठीक से पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, जी इसके पहले मैं पढ़ाई करती थी तो ज्यादा ब्रेक लेके पढ़ती थी ओके तो जल्दी ब्रेक हो जाता था, तो फिर मैं जब क्लास देखती थी तो आप मतलब लगातार 2 घंटे कभी 1.5 घंटे ऐसे पढ़ाती थी, तो मैं सोचती थी कि आपके शेड्यूल के बारे में सोचती थी कि मैम
अपने लाइफ में इतना बिजी होने के बाद भी इतना पढ़ाती हैं, इतना क्लासेस लेती हैं, तो हम स्टूडेंट हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते इतना बैठ के घंटा। ऐसे करके मैं मोटिवेट, आपके बारे में सोच के मैं मोटिवेट हो जाती थी तो मैं पढ़ाई करती। तो इसी नवम्बर में शादी था तो वन और पीएचडी का इंटरव्यू का भी डेट आ गया था 7 तारीख को, 8 को नेट का एग्जाम था। तो मैं पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, प्रपोजल रेडी करना है, तो इस वजह से मैं नेट का, मुझे लगा मैं नेट का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। तो मैं आपसे मैम भी की थी कि मैम क्या करूं, इंटरव्यू दूं या फिर नेट का एग्जाम दूं, तो आप रिप्लाई नहीं की। तो फिर मैं सोची चलो मैं नेट का एग्जाम नहीं दूंगी, इसका एग्जाम तो होता रहता है तो मैं छोड़ दूंगी। तो उस वजह से, इंटरव्यू के वजह से मैं 1 महीने तक रिवीजन नहीं की थी मैम। इसके पहले क्लियर कर ली थी सिलेबस सारा, खत्म पढ़ के बस रिवीजन आई थी और बीच में डिस्टर्ब भी हो गई थी। तो फिर जब जिस दिन मेरा विदाई थी 1 तारीख, तो उस दिन मेल आया कि वो डेट एक्सटेंड हो गया इंटरव्यू की डेट एक्सटेंड हो गई। तो 8 वाले, तो मेरे पास 8 दिन बचे हुए थे। तो उस 8 दिन में कुछ कुछ बस पढ़ी थी, बस आपका जो नोट मैं बनाई थी उसको बस पढ़ी थी, अच्छी तरीके से रिविजन नहीं कर पाई थी। तो एग्जाम की बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ से एग्जाम देने गई तो अच्छा रहा रिजल्ट, तो बहुत खुशी वाले खुश है, उतना अच्छा मार्क्स नहीं है लेकिन हाँ क्लियर हो गया। लेकिन मैं के साथ कह सकती हूँ मैम कि अगर 1 मंथ और मैं अच्छे से रिवीजन कर ली होती और फर्स्ट पेपर और अच्छे से पढ़ ली होती तो मेरा जेआरएफ हो गया होता। अब इस बार डेफिनेटली जेआरएफ होगा। यस मैम, यस मैम, क्योंकि मैं वही आपसे बोलूंगी कि नेट आपने क्लियर किया, अब जेआरएफ, नेक्स्ट टाइम जेआरएफ, जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे नेट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जेआरएफ टारगेट करेंगे वो। लेकिन फिर भी वो एक आपका इंस्पिरेशन ही है एक तरीके से कि इतना सब कुछ हो रहा है, साथ में पीएचडी के इंटरव्यू की डेट आ गई है, अपना नेट के एग्जाम की भी डेट आ गई है, तो वो एक कैसे हम उसको मैनेज करके फिर अब एग्जाम देने गए, तो ये भी बड़ा इंस्पायरिंग है। रुक्मिणी जी, एक बात बोलूंगी कि मैम आपका कंटेंट एंड पढ़ाने का तरीका है ना, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग किया, मेरा बेस ना अच्छे से। मैम आपका एक और अच्छा है कि आप कोई भी चीज पढ़ाती है ना तो उसका इन डेप्थ नॉलेज देती हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से चीजें पढ़ा दे निकल जाए, ऐसा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट उसका बेस ही मजबूत हो जाता है कि हाँ इसका कुछ है, इस टाइप से होता है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका पूरा वीडियो देखती हूँ। जी जी जी, चलो कांग्रेचुलेशंस रुक्मिणी आपके नेट एग्जाम के लिए। शिवा, राश्री, प्रियंका, आप अपना शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, राश्री, हाँ जी, हाँ जी, पहले राश्री बोलेगी फिर शिवा आप बोल देना। हाँ जी बोलिए। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और आपके क्लास के बारे में मुझे देजीना से इन्फॉर्मेशन मिली थी। ओके, देजीना से। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि वही है कि तो मैंने मतलब कि मेरा एमएड सेकंड ईयर था, तब से मैं आपके लेक्चर देखती थी और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है तो उसमें मेरा नेट क्लियर हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरा एमएड में यूनिवर्सिटी में 5th रैंक आया है, वो सब मतलब कि क्रेडिट जो है वो आपको ही देना चाहूंगी आपके नोट्स के। कांग्रेचुलेशंस अपने एग्जाम के लिए भी, नेट के लिए भी और अपने मास्टर्स के लिए भी। जी थैंक यू मैम। तो मैं ये बात मतलब कि पहले बताना चाहूंगी कि मेरा पहला जो इशू था वो लैंग्वेज का था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी समझ में आता था लेकिन पढ़ने जाती थी तब मुझे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होता था। तब मैंने मैम से पर्सनली बात की थी कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैम ने मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया था, तो उससे मैं उभर कर आ गई और मैं रेगुलरली आपके लेक्चर्स लाइव करती थी। तो आप जैसे बताते थे कि नोट्स ऐसे करो, उसे हाईलाइट करो, डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज करो और कुछ जो निमोनिक्स आप बताती थी, कोई जो एक पॉइंट होता था वो आप स्टोरी की तरह याद रखो, तो ये जो बातें थी ना मैं अप टू डेट मतलब डे टू डे लाइफ में जो मेरे साथ होता था तो उससे मैं कोरिलेट करने लगी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि ये मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ और उसे याद रख सकती हूँ। तो मेरी छोटी एक बच्ची है, 4 साल की है मेरी बेटी, तो मैं साइकोलॉजी जो है वो तो उससे ही अप्लाई करती थी। अच्छा। मतलब उससे मुझे याद रह जाता था जी, जी, जी। जो है वो तो
और दिवाली के टाइम में भी बीमार थी और मेरी बेटी भी बीमार थी। मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया हाँ था, जी आपने तो बोला उस था टाइम भी जी। बहुत आपने मुझे मोटिवेट किया था कि कोई नहीं, राष्ट्रीय होगा आपका, इस बार होगा। तो आपके साउंड से ही मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती थी। आपका साउंड ही मेरे लिए इनफ हो जाता था कि ये हम लोग कर लेंगे। तो मतलब कि मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है कि उसने नेट क्वालिफाई किया है, इतने मतलब कि हायर एजुकेशन किसी भी नहीं लिए। तो जी आप ये बहुत गॉड की तरह हो। तो मैं आपको लास्ट के 15 डेज देने हैं, जी जी वो मतलब कि बीमारी में चले गए। तो आपके जो 1000 की सीरीज थे क्वेश्चन की, हाँ जी वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत यूजफुल रही थी। वो मैंने दो दो बार देखे थे। ओके और आपके रिवीजन क्लासेस मैराथन जो ली थी आपने, वो भी मैंने एक बार देखी थी। मतलब लास्ट के 15 दिन मैंने घर का कुछ काम ही नहीं किया था, सब ऐसे ही छोड़ देता। मेरी बेटी ने भी बहुत मुझे कोऑपरेट करता था। वो आपको जानती है, 4 साल की है, फिर भी अच्छा आपको जानती थी कि मैम का आज लेक्चर नहीं है क्या, ऐसे पूछती रहती थी। मतलब कि उसे भी पता चल गया कि माँ, मेरी माँ लेक्चर करती है, लेक्चर उसका करती है छड़ी होता है। जी हाँ, जी तो उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था। जी तो आपके नोट्स, आपकी जो मैराथन थी, वो जी क्वेश्चन की 1000 की सीरीज से, वो उससे मुझे बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। और पेपर वन का जो आपकी प्लेलिस्ट थी, मैंने पहले उसके सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है जो एक एवरी मैंने सबके लेक्चर्स देखे थे, उसके बहुत ओके अच्छे अच्छे सेपरेट सेपरेट पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे। ठीक है वो आरसी आरसी का मैं बताना चाहूंगी, हाँ मुझे पेपर टू में आरसी के 10 में से 8 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे। ओके हाँ तो मेरा आपका पेपर फर्स्ट का जो प्लेलिस्ट था ना, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है। और जी आपके टेस्ट सीरीज, तो मैं मतलब कि पेपर देते वक्त मुझे ऐसा लगता है ये मैम ने ही बनाई है क्या क्वेश्चन, ऐसा लगता था। मतलब कि सब आता लगता है, ऐसा लगता था। तो बहुत अच्छा पेपर भी बहुत अच्छा गया है। थैंक यू ओके सो मच मैम, आपने अगेन बहुत हेल्प कॉन्ग्रेचुलेशंस, की है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस राजश्री। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही अपना जो भी सक्सेस लाइफ में वो पाते रहो। हाँ जी शिवा, आप बोल सकते हेलो हो, आप कुछ कहना चाहते थे। शिवा एंड प्रियंका मैं, मैम, हाँ जी हाँ जी बोल सकते हो। हाँ जी प्रियंका बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते पहले तो मैं आपको बहुत सारी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। पहली बार मैं विदाउट प्रिपरेशन लेकर अटेम्प्ट देना गई थी, जी जी बस जी इस बार कुछ नहीं हुआ था। सेकेंड बार मैंने आपसे सब्सक्रिप्शन लिया था, आपका क्लास भी किया था, जी बहुत अच्छा लगा। बट उस बार 2 मार्क्स के लिए नेट रह गया था, नेट हमें नेट ओके रह गया था। इसलिए मैंने सोचा इस बार तो हमें कुछ करना ही है, जेआरएफ तो लेना ही है। जी अगर नहीं हो पाता तो मैं डिमोटिवेटेड हो जाता। तो जी इस बार 99 क्वेश्चन सही हुआ है। जी तो आपने पहले काट ऑफ बताया था, हाँ जे जी इस काट ऑफ जाएगा इस बार, हाँ इस हाँ नंबर में जाएगा। जी तो मैंने देखकर लगा, शायद लगा था इस बार हो जेआरएफ हो जाएगा जाएगा। जी। बट जब फाइनल आंसर फाइनल किया तब आंसर देखा मैंने, हाँ वही, क्योंकि वही है कि इस देखने के बार बाद सारे स्टूडेंट्स को एक अलग ही लगा, क्योंकि हमने कट ऑफ का एनालिसिस तो हमने किया, लेकिन वही है कि एक बार क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, कितने क्वेश्चन चैलेंज हो गए, तो कट ऑफ एकदम से वो थोड़ा सा हाई चले गया, तो ये हो यस गया मैम, जी। तो देखकर थोड़ा डिमोटिवेट हो गई कि इस बार भी 99 क्वेश्चन सही होते हुए भी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नेट हुआ है। हाँ जी एक्सपेक्टेशन था जेआरएफ होने की। जेआरएफ होने का जी तो नेक्स्ट, इस बार देखकर मैंने ठान लिया है, तो नेक्स्ट बार हमें जो जेआरएफ मिलना ही चाहिए, कुछ हाँ भी हो जाए इसके हंड्रेड लिए। परसेंट जेआरएफ 100%। चाहिए चाहिए हाँ, मैं बहुत सारे टीचर से, मैंने फ्री क्लासेस लिया था इससे पहले, बट उतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस नहीं रहा जो आपके साथ रहा है। ओके आपने, आपका पढ़ाने की तरीका, आपकी जो नॉलेज देते थे, इतना डीप नॉलेज आपने देते थे ना मैम, उसे मैं बहुत, काफी सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हुआ था मैं हमें। जी और आज भी मैंने, इस बार भी मैंने आपसे क्रैश कोर्स में जो फ्री नोट्स आपने प्रोवाइड करते थे ना, जी जी आपका चैनल में फ्री कोर्सेज भी आपने कुछ दिया था फ्री लर्नर्स के लिए, हाँ जी लर्नर के लिए, वो भी मैंने
मतलब 4-5 times देखा है, फिर सुना है। इसमें जो कुछ भी हमें डाउट नहीं डाउट था वो मैं नोट्स मेकिंग करता था। इससे मैं बहुत सारी डाउट क्लियर हुआ है। बट मैंने सभी को यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कौन सी मैम से पढ़ू, कहाँ जाऊँ, नेट एग्जाम के लिए कौन सी एडुकेशन के लिए कौन सा मैम को जाना है, अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो मैं बहुत दो तीन भी फ्रेंड है उन लोगों को भी बताया है, निधि मैम के पास चले जाओ, पहले फ्री क्लासेस देखो, देखकर अगर आपको समझ आए तो फिर क्रैश कोर्स या पेड बैच ज्वाइन कर लेना। हाँ जी तो मैंने भी किया ऐसे, हाँ जी तो मेरे लिए रिजल्ट के लेकर मैं इतना सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, क्योंकि हाँ मैंने जेआरएफ सोचा भी था क्लियर जे किया था हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, नेट आपने क्लियर किया, आप जेआरएफ भी हो जाएगा। वही है कि हमने छोड़ना नहीं है, चीज़ों को आगे बढ़ के चलना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर नेट है तो अगली सीढ़ी हमारी जेआरएफ की बनती ही बनती है, फिर वो 100% होगा ही होगा यस हमारा। मैम, इससे पहले बार हमें सेट क्लियर हुआ था, वो भी मैं आपके बता रही थी आपसे, हाँ जी तो हाँ जी सेट क्लियर हुआ था। उसमें मैं मैम सोच लिया था कि इस बार भी नेट या जेआरएफ कुछ भी हो जाए, हाँ जी बट जेआरएफ की टारगेट थी हाँ तो खुश हूँ, बट दिल से उतना खुश नहीं हूँ। बट हाँ नेक्स्ट टारगेट जेआरएफ, मैं वादा करती हूँ मैम आपसे, जेआरएफ नेक्स्ट टाइम अचीव लेकर करना ही आना है, है, हमें जी, लेकर आना नेक्स्ट टाइम ही है। लेकर आना है। हाँ जी, तो ऑल दी बेस्ट यहाँ पे प्रियंका, आपके आगे के सक्सेस के लिए, और जेआरएफ मुझे चाहिए चाहिए आपसे, एंड अगेन थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर नेट एग्जाम। हाँ जी यू श्रेया, मैम। हाँ जी और हाँ एक बात और कहना चाहूंगी, जी आपके जब कोर्स ज्वाइन किया था तो मैम आपको देखा था, बट वन टू वन फिर भी आपको, मैंने 6 महीने के बाद फिर से आपसे बातें हो रही है, देखकर आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 6 महीने पहले आपको आपसे सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, जी बट 6 महीने के बाद मैं खुद से आपके नोट जो मेकिंग किया था वो जी जी वही से पढ़ते थे, खुद से ही पढ़ते थे, और आपके चैनल में जो फ्री कोर्स लॉन्च किया था वही से ही मैं स्टडी हाँ करती थी, जी तो फिर से आपको देख रही हूँ, बहुत खुश हो रही है मैम। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट जून में जेआरएफ के साथ आ रही हूँ मैम, हाँ जी, ये हंड्रेड आपसे वादा परसेंट है। 100% 100%। सो ऑल दी बेस्ट यहाँ पे प्रियंका। हाँ जी शिवा, आप बोल थैंक सकते हैं यू मैम। फाइनली। हाँ जी हाँ हाँ मैम, बीच में मैम कॉल आ गया था, तो मैम थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि मैम आपका वे ऑफ टीचिंग ना बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमें नेट की कोचिंग स्टार्ट करनी होती है, तो जी हम लोग पहले मतलब सेकंड सेमेस्टर में मुझे इतना नॉलेज भी नहीं थी, तो जी मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया, तो काफी सारा कंटेंट आया, काफी सारी वीडियोज आई, कुछ जी ऐसी वीडियोज थी मैम कि उसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे चीजों को। लेकिन मैम जब मुझे आपकी एक वीडियो मिली, वो तो खैर मुझे ध्यान नहीं है मैंने किस चीज की वीडियो देखी थी पहली, तो हाँ लेकिन मैम आपका वे ऑफ टीचिंग मतलब मैम वॉइस और मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाते हो, तो मेरा मीडियम जो है वो हिंदी है, जी तो मैम उस वो मैंने वीडियो देखी और उसके बाद मुझे काफी अच्छा लगा, तो फिर मुझे आपके कोर्स के बारे में पता चला, तो फिर मैंने आपका 3 मंथ का जो आपका क्रेज कोर्स चल रहा था उस टाइम पे जी वो मैंने परचेज किया। तो मैम मैं आपको सही बताऊं तो मैम मैं मुश्किल से 1 मंथ पढ़ाई करी हूँ, क्योंकि मैम बीच में मेरी इंटर्नशिप भी थी जी उस टाइम पे मैम ये था कि इंटर्नशिप भी हो रही थी, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन लेती थी, पर नोट्स तो मैंने इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई। जी वैसे मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये वाला, तो इतना नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन जी जब मैंने वो किया तो मैम उसके बाद मतलब एग्जाम से 1 मंथ पहले मैम क्या हुआ कि मेरे घर में सभी को एक एक करके डेंगू हो गया, ओ तो मैम ये हुआ, और उससे पहले उसके बाद 26 नवंबर को मैम मुझे मुझे भी हो गया, तो पढ़ाई सिचुएशन में तो खैर मेरी इतनी नहीं हो पाई, नहीं हाँ मैंने सोचा था कि मैं लास्ट टाइम पे आपकी सारी वीडियोस देखूंगी, जी लेकिन मैम नहीं हो पाया, तो उसके बाद मुझे लग ही नहीं रहा था मैम मेरा नेट होगा, लेकिन एग्जाम से 3 दिन पहले मतलब मैंने पढ़ाई करी। रिवीजन में क्या था मैम, मैंने आपके जो नोट्स थोड़े बहुत प्रिपेयर कर पाई थी जी तो वो उसको पढ़ाई किया, और मैम मैंने थोड़ा बीएड की जो भी नॉलेज थी और एमएड की फर्स्ट सेम की सेकंड सेम की मैम वो भी देखा, जी सीटेट की सीडीपी वगैरह भी देखी, जी और मैम जो आपने पढ़ाया था मैम वो सब तो देखा ही, लेकिन मैम फिर भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पाई, काफी अच्छा कंटेंट था मैम, तो वो तो खैर मैम अब दोबारा से पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन जी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो मैम।
थैंक यू सो मच शिवा, थैंक यू सो मच। और मतलब इतना वही है, डेंगू होने के बाद भी मतलब कितना आपने फिर वही है कि 3 दिन कितने बेनिफिशियल रहे आपके लिए कि आपने फिर भी एग्जाम दिया, पढ़ा अच्छे से और अपना नेट क्लियर किया। मैम सिचुएशन ऐसी थी कि मैम मैं जाने की भी हालत में नहीं थी एग्जाम देने, जी तो मैम पापा जी ने फिर गाड़ी वगैरह बुक करी, वो के चलो, मैंने कि नहीं होगा, बोले चल कोई नहीं, तू फर्स्ट अटेम्प्ट में देने जा रही है तो कम से कम तुझे पता तो चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जी तो मैम बस ये था, मैम बीएड मेरा काफी अच्छा था, मैं यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन थी मेरी, जी तो मैम तो थोड़ा उसका फायदा मिला कि वो सारी चीजें, क्यों मैम CDP है, इंक्लूसिव एजुकेशन था, तो मैम वो सारी चीजें वहीं से आती हैं। हाँ लिंक बन जाता है वहां से। यस मैम, और जी टीचर एजुकेशन जो था वो मैम MEd सेकंड सेम में था, तो ओके उससे फायदा मिला मुझे। चलो कंग्रेचुलेशन शिवा, आप थैंक सभी को यू मैम, कंग्रेचुलेशन। देजीना, प्रियंका, पंकज, राजश्री, हाँ जी कुछ, थैंक हाँ जी कुछ कहना चाहते हो देजीना? हाँ आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी यू मैम। हाँ जी मैम मैं बस यही बोलना चाहूंगी, आपके क्लास से मुझे एक एक्सपीरियंस रहा है, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो जब मैं आंसर करती हूँ, जब आप एक्सलेंट बोलते हैं तो मुझे लगता है मेरा आंसर बहुत अच्छा है, जब आप गुड बोलते हैं तो मुझे लगता है और ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, और अच्छा जब आप बोलते हैं हाँ ठीक है तो मुझे लगता है मेरा अच्छा नहीं है, बस मैम बोल रही है कि मुझे और अच्छा करना है। और मैम ये बताऊंगी, वहां पे जितने लोग भी मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, ये थैंक यू मेरा नहीं है, आपका है, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे जो सीखा है बस मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया मैंने दूसरों से शेयर किया है, जी और मैम इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मैम जो आपकी आपकी ही स्टूडेंट से मैंने सीखा है, सस्मिता भी इस जर्नी में मुझे बहुत सारी हेल्प की है, पेपर वन के लिए बहुत टाइम उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था, और पेपर टू के लिए तो आप थे, मुझे तो जो डाउट हो रहा था मैं आपके पास आ रही थी, जी और मैम रिवीजन की कमी की वजह से मैंने 4 अटेम्प्ट दिया, मेरा बीएड चल रहा था, मेरा फाइनली हो गया, बीएड हो गया, बीएड के साथ साथ मेरा नेट भी नेट क्लियर भी हो हो गया। गया जी। और मैम रिजल्ट के दिन की बात करूं, आपको भी पता है मैंने ग्रुप पे ज्यादा टाइम एक्टिव रहती हूँ, हर हाँ चीज की हमेशा। रिप्लाई तुरंत करती हूँ, बट मैम जब 17 को रिजल्ट आने वाला था, जी मेरा 19 को एक पेपर था, ओके 17 को तो नहीं आया, 18 को तो NTA की तरफ से नोटिस आया आज रात को आ जाएगा, तो मुझे वो डर लगा, मुझे लगा कि 4 बार दे चुकी हूँ, इस बार क्या होगा, आंसर की देख के तो आपसे बात हुई थी, मेरा लगता था नेट हो जाएगा, और आपने भी बताए थे ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो डायरेक्ट भी हो सकता हो है, सकता है जी। तो मैंने क्या किया, 18 को रात को मैंने 12 बजे जब मुझे मतलब मैसेज आया ग्रुप पे रिजल्ट आने वाला है, मैंने तुरंत नेट ऑफ कर दिया, मुझे अच्छा लगे कि अब नहीं देखूंगी, कल सुबह एग्जाम है, मैं एग्जाम दे के आऊंगी, हमारा उड़ीसा में एक OSSTET का एग्जाम होता है, टीचर ओके जी एलिजिबिलिटी टेस्ट का, मैंने जी 19 को सुबह एग्जाम देने चली गई थी, अच्छा आपने उस टाइम सभी बच्चों का रिजल्ट देखे, मुझे पूछ रहे थे ग्रुप में आपका क्या हुआ, क्यों नहीं बताया आपने उस टाइम, सॉरी मैम मैंने मैंने खुद भी नहीं देखा था, हाँ मेरे मतलब जो फ्रेंड्स हैं मतलब सभी तो मेरे फील्ड के नहीं है, कुछ फ्रेंड्स मेरे MSW फील्ड से हैं, क्योंकि मैम मैंने ज्यादा सीनियर से बात करती हूँ, मतलब ओके मेरे बैचमेट से ज्यादा सीनियर से बात होता है, जी मेरे मेरा एक MSW का एक फ्रेंड है, वो मुझे सुबह 6 बजे उसके पास मेरा एडमिट कार्ड था, वो मुझे रिजल्ट दे के भेज दिया था, उसके बाद और एक फ्रेंड MA का वो मुझे भेज दिया था, बट मेरा तो नेट ऑफ था, मैं तो एग्जाम में थी, जब मैंने एग्जाम हॉल से निकली नेट ऑन किया, बस सभी का इतना सारा कंग्रेचुलेशंस मैसेज आया था, मेरा ग्रेजुएशन से लेके बीएड तक जितने भी अच्छा टीचर्स हैं सीनियर्स हैं मेरे से जुड़े हुए हैं सब लोग का बहुत सारा मैसेज आ गया था, आपका भी आ गया था, हाँ तो मैंने स्टार्ट किया, बस पे थी स्टार्ट किया, सबको थैंक यू बोलना, तो घर आते आते मुझे पूरे 2 घंटे लग गया सारी मैसेज का रिप्लाई करना, और मैम इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ ये सब आपके वजह से हुआ है, अभी बस मुझे उड़ीसा की भी जो जो वैकेंसी आगे आने वाली है हाँ उसके लिए जी प्रिपेयर करना है, PhD के लिए भी मतलब प्रिपेयर होना है, और जी मैम JRF भी चाहिए मैम, हाँ हंड्रेड परसेंट उसके हंड्रेड लिए परसेंट वो आएगा बस क्योंकि आपकी हेल्प चाहिए, अब तक आप मुझे जैसे हेल्प किए आगे भी करते रहिए, बस मुझे सक्सेसफुल बनना है, जो मुझे मैं चाहती हूँ करना है, क्योंकि हाँ मैम वो रिजल्ट का इंतजार मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को था, फैमिली को है
जी जी और मैम मेरा भाई बहन मम्मी पापा सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मेरा जो मामा मामी है ना वो दोनों टीचर हैं, मोटिवेशन के लिए उनसे बात हो जाती है मेरी। जब मेरा रिजल्ट आता है मेरा नहीं होता है, मैं किसी से मतलब बोलने की मेरे पास हिम्मत नहीं होता है, इतना दुख होता है। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत मेरी छोटी बहन और मेरी मामी को मैंने मैसेज कर देती हूँ मेरा नहीं हुआ है। वो लोग मुझे हमेशा से सपोर्ट किए हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, होगा जरूर, बस तुम पढ़ते रहो। हर फेलियर को सामने देख के रो रो के मैंने पढ़ाई की हूँ, तो इस रिजल्ट के वजह से मैं बहुत खुश हूँ मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपना जो भी आपका गोल है नेक्स्ट टाइम, यस जेआरएफ हमारा गोल होना चाहिए और वो 100% क्लियर करके लाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन, थैंक यू सो मच पंकज, प्रियंका, राष्ट्रीय, थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ओके बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।